अगर आप लोग सिर्फ फोटो को इरेज करते थे, ठीक है, तो आपका शेडो नहीं आता था, ठीक है, तो ये शेडो के साथ आया है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं सौरभ ग्राफिक्स। तो आज हम लोग सीखेंगे कि इस तरीके का जो ये चेयर है, ये चेयर मैंने इस इमेज में यहाँ पे प्लेस किया है, तो आप भी कैसे प्लेस कर सकते हो। मैं जानता हूँ अगर आपके पास फोटोशॉप बीटा है तो आप इजीली कर सकते हो, अगर फोटोशॉप बीटा आपके पास नहीं है, ठीक है, तो आप नॉर्मली फोटोशॉप यूज़ करते हो 2018 या 2020 2022, और तो आप कैसे कर सकते हो, आइए हम लोग देखते हैं। तो पहले आप लोगों को दो इमेज चाहिए, ये एक इमेज है और ये एक इमेज है, ठीक है। तो इसे क्या करना है, आपको ये वाला इस वाले इमेज को यहाँ पे प्लेस करना है और इसे रिसाइज कर देना है, और रिसाइज करने के बाद यहाँ पे प्लेस कर देना है एक जगह, ठीक है। और इसे इमेज को सिलेक्ट करके आपको सिलेक्शन में जाना है, और सिलेक्ट में जाके यहाँ पे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, और सब्जेक्ट जब सिलेक्ट हो जाए तो आपको यहाँ से मास्क अप्लाई करना है, और यहाँ पे इसका कंट्रोल जे से डुप्लीकेट बनाना है, और यहाँ पे इस लेयर वाले आइकॉन पे क्लिक करके आपको कंट्रोल आई करना है, इन्वर्ट करना है, और करने के बाद फिर से इसका जो ब्लेंडिंग ऑप्शन होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है। करने के बाद दोनों लेयर को सिलेक्ट करना है कंट्रोल से, और इसे साइज करके आपको यहाँ पे प्लेस कर देना है, जो भी आपका इमेज होगा जहाँ पे आप प्लेस करना चाहते हो प्लेस कर देना। करने के बाद यहाँ पे एंटर दबा देना है, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है। तो आप लोग देखो, यहाँ पे देख रहे हो एक छोटा सा लाइन आप लोगों को दिख रहा होगा, जो इसका जो इमेज है ना, इसका जो लाइन होगा ये दिखेगा। अगर आप जो भी यूज़ करते हो, अगर आपको ये लाइन दिखे तो आपको फिर से इस वाले मास्क वाले आइकन पे क्लिक करना है, और ब्रश टूल लेना है, सॉफ्ट ब्रश चूज करना है, यहाँ पे इसको इरेज कर देना है, और यहाँ पे सेव करना है, जो यहाँ पे ब्लैक कलर सिलेक्ट हो, और यहाँ पे इसको इरेज कर देना है। यहाँ पे भी आपको ये शेडो दिखे, ठीक है, तो वहाँ पे इसे इरेज कर देना है, और आपका फोटो रेडी हो जाएगा। तो आप लोग देखो पहले था क्या इमेज और अभी क्या है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो इसे, हम मैं कंट्रोल जे से ग्रुप कर दूंगा, कंट्रोल जी से, ओके। तो आप लोग देखो ये था ये। तो इसे अब अगर आप लोग सिर्फ फोटो को इरेज करते थे, ठीक है, तो आपका शेडो नहीं आता था, ठीक है, तो ये शेडो के साथ आया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर देना, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।